एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इंडोनेशिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के साथ रिश्तों को नया मुकाम दिया। इंडोनेशिया के साथ मिलकर चीन को घेरने का प्लान बनाते हुए पीएम ने सबसे अहम सागर मंत्र दिया, जो चीन के उस मैरीटाइम सिल्क रूट का तोड़ है जिसके जरिए चीन पूरे हिंद महासागर पर कंट्रोल करना चाहता है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ सागर SAGAR, और जब मैं सागर कहता हूं मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इंडोनेशिया में पीएम मोदी के शानदार स्वागत से शुरू हुआ दोनों देशों की रिश्तों का सिलसिला कूटनीति के पेंचों से होता हुआ रक्षा, संस्कृति, कारोबार और निवेश समेत 15 अहम समझौतों तक आगे बढ़ा। The discussions focused on three areas primarily, defense and security, economic cooperation and socio-cultural and people-to-people contacts. पीएम के इंडोनेशिया दौरे पर रामायण महाभारत के रंग बिखरे तो यहां बसे करीब 12 लाख प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने खुलकर अपने मन की बात की। इंडोनेशिया में बसे मिनी इंडिया से मिलकर पीएम मोदी जितने उत्साहित नजर आ रहे थे उससे ज्यादा उत्साहित वहां रहने वाले प्रवासी भारतीय थे।